हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का AJS स्टडी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज के 20 सेंटेंस बताऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद यह बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम उत्तराखंड से हैं, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। वी आर फ्राम उत्तराखंड। मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आई वर्क फ्राम 10 to 5। वो दुकान से ये खरीद रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। ही इज बाइंग इट फ्राम द शॉप। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। टेबल से कप हटा दो, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। राम 4 बजे से घूम रहा है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहाँ है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। सी हैज बीन हियर सिंस एस्टरडे। नेहा दोपहर से रो रही है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। नेहा हैज बीन बीपिंग सिंस नून। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। He has been trying for many days. मैंने ये तुम्हारे लिए किया, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। I did it for you.